हेलो क्लास 5th, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वील स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, आप समझना कैसे करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में भी मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इस मल्टीप्लिकेशन में ऐसा क्या डिफरेंट है। इस मल्टीप्लिकेशन में हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने 2 डिजिट किया होगा, 1 डिजिट किया होगा, बट इस बार हम 3 डिजिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज 286 मल्टीप्लाइड बाई 125। सो हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले करते थे, नीचे वाले डिजिट्स को मौका देना ऊपर वालों को, सबको मिलने का एक एक करके। मतलब 5 वाला इन तीनों से एक एक बार मिलेगा, 2 वाला इन तीनों से एक एक बार मिलेगा, 1 वाला इन तीनों से एक बार मिलेगा, ठीक है ना। जस्टिस है ना, बढ़िया। 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 6 30, 3 carry 0 down, 5 8 40 प्लस 3, तो 4 carry and 3 down, 5 2 10 प्लस 4 14, इसको काटा, ये कट कर दूंगा मैं। अब आती है 2 की बारी, 5 तो मिल लिया सभी से। 2 8 6 12, 1 प्लस 1 and 2, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 2s are 4 and 5। नाउ यहाँ पे डबल क्रॉस। अब आती है बारी 1 की, 1 6 are 6, 1 8 are 8 एंड 1 2s are 2। आंसर इज, अब हम ऐड करेंगे 0, 3 plus 2 5, 4 plus 6 10 एंड प्लस 7 17 एंड 5 plus 8 13 प्लस 1 14 एंड 15 एंड 3। सो दिस इज द आंसर, 35,750। ईजी था ना। चलो एक और करके देखते हैं हम। 677 into 212, सो यहाँ मैं लिखूँगा 677 212, लेट्स मल्टीप्लाई देन। 2 7s are 14, 2 7s are 14 प्लस 1 15, 2 6s are 12 प्लस 1 13, काट दूंगा मैं यहाँ पे। 1 से करता हूँ, 1 7s are 7, 1 7s are 7, 1 6 is 6, अब डबल क्रॉस। 2 7s are 14, 2 7s are 14 प्लस 1 15, 2 6s are 12 एंड प्लस 1 13। नाउ यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, 7 plus 5 = 12, सो 1 carry 2 in down। नाउ 4 plus 4 8, मतलब यहाँ ये प्लस 1 है ना, तो 4 बोल दिया मैंने सीधा। 4 plus 4 8, 8 plus 7 15 एंड 6 plus 5 11 प्लस 1 12 एंड 13। नाउ दिस इज 4 and 1, सो दिस इज द आंसर, 1,43,524, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। चलो एक और करके देख लेते हैं, थर्ड वाला। 637 into 380। थर्ड क्वेश्चन इज 637 into 380, इसे सॉल्व करते हैं। 637 380, 0 को हम जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 ही आएगा, तो 0 7 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0। अब 8 7 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 29 एंड 8 6 ज़ा 48 प्लस 2 50। अब मैं डबल क्रॉस मार और इन्हें कट कर दूँगा। 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 एंड 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19। अब मैं ऐड करूँगा इन्हें, 0 6 10, 9 प्लस 1 10 हो गया ना, 1 plus 1 2, 5 plus 9 14 एंड 2। सो दिस इज द आंसर, ओके। लेट्स अब एक और करके देखते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ वन इज 999 into 400। सो 999 into 400, जीरोस को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा, अगेन 0 0 0। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4, सो 4 9 ज़ा 36, 3 एंड 6, अगेन 4 9 ज़ा 36 प्लस 3 39, 36 प्लस 3 39। सो नाउ 0 0 6 9 9 3,
आगे ना आप लोगों को समझ, बहुत इजी था ना। अब आगे के सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब होमवर्क है ये पूरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आफ्टर आफ्टर फोर्थ पार्ट के सारा कंप्लीट करोगे, कंप्लीट खुद से मल्टीप्लाई करके देखोगे कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड अगर नहीं हो रहे तो आप मेरे को मैसेज कर देना, कॉल कर देना, मैं दिन उसको और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, और नहीं होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, आप सबको आ जाएगा, बहुत ईजी है, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है? थैंक यू गाइस।